हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हर बार की तरह इस बार का भी सीजन बिग बॉस का खूब मसालेदार चल रहा है। शालिन, सुंबल और टीना, इन तीनों के बीच का झगड़ा जैसे खत्म ही नहीं होता। इसी के चलते बिग बॉस के एक एपिसोड में जहां कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स उनसे ऑडियो क्लिप पर बात करते हैं, वहीं सुंबल के पापा ने सुंबल से कुछ ऐसा कहा जिसने सब जगह तहलका मचा दिया। सुंबल के पापा ने सुंबल से कहा, टीना और शालिन को उनकी औकात दिखा दो। इस पर टीना दत्ता की मम्मी ने एतराज जताया है। नमस्ते, मैं हूँ टीना दत्ता की मम्मी। क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट को पेरेंट्स को मिला है, इसीलिए मैं आज आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को नेशनल टीवी पे गालियाँ देना, उसकी पापा बोल रहा है उसके मुंह पे लात मारो, ये कौन सी शब्द है? किसने हक दिया ऐसा बोलने के लिए? आप होते कौन हो मेरी बेटी को गालियाँ देने के लिए? अगर आपकी बेटी गलत जा रहे है, इसका मतलब आप मेरी बेटी को गालियाँ दोगे? क्या यही है माँ बाप का फर्ज? और मैं चाहती हूँ आप सभी सोचिए, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा एक माँ को जिसके बेटी के बारे में इतना गलत और गंद शब्द बोला गया है। टीना की मम्मी फिलहाल सुंबल के पापा पर बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं। टीना की मम्मी ही क्यों, शालिन के पापा ने भी इतने डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करने के लिए सुंबल के पापा पर नाराजगी जताई है और यहाँ तक कहा है कि नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बातें बोलना किसी को शोभा नहीं देता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिग बॉस पर यानी कलर्स टीवी पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा सब कॉन्टेंट एडिट हो जाना चाहिए। बिग बॉस में हर कोई अपना अपना खेल खेलता है और इसी के लिए बिग बॉस माना भी जाता है। लोगों को मसाला देखना पसंद है और इस बार के सीजन को अच्छा खासा मसाला टीना, सुंबल और शालिन ही दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या इनकी फैमिलीज को ऐसे शब्दों का नेशनल टेलीविजन पर प्रयोग करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। शालिन भनौत के पापा और टीना दत्ता की मम्मी इस पर अब और क्या एक्शन लेंगे, ये देखना होगा।